अरे विकास के बारे में जब आप देखोगे तो 15 साल ही दिखेगा। कांग्रेस, हम कह सकते हैं कि ये घोटालों की सरकार है। यहाँ पर बने भी 23 वर्ष हो चुके हैं और 23 वर्ष में 23 काम चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो किसी ने भी नहीं किया। भाजपा मतलब विकास और कांग्रेस मतलब करप्शन। यही आवाज आ रही कि हमारे विधायक लापता हैं। धोखाधड़ी भ्रष्टाचारी का है भूपेश सरकार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के जन चौपाल में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीट रहा है और यहाँ पर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 बार के विधायक हैं। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं, जनता का मूड क्या है और क्या है मुद्दा। जी बताएं, 15 साल बनाम 4 साल, क्या है विकास, किस तरह नज़र देखते हैं? अरे विकास के बारे में जब आप देखोगे तो 15 साल ही दिखेगा, 4 साल में तो विकास डेवलपमेंट टोटल शून्य है। और 15 साल के बाद जब ये चुनाव भी जीते तो इसी राजनांदगांव में बहुत बढ़ चढ़ के बोले थे जन घोषणा पत्र ये बंद करेंगे, ये चालू करेंगे, ये करेंगे, एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया। और आज की तारीख में एक ही काम हुआ है 4.5 साल में, कोई भी काम पैसा दिए बिना होता नहीं और पैसे की भी कोई सीमा नहीं है, इतना हम लेंगे या नहीं लेंगे। अब सामने वाला रो के दे चाहे हंस के दे, देता है और अपना काम कराता है। जी भाजपा का कहना है कि विकास यहाँ पे हुआ ही नहीं है, पैसे लेन देन से विकास होता है, क्या कहना है? सबसे पहली बात यह है कि 15 साल जब भाजपा का यहाँ शासन रहा उन्होंने कितना विकास किया उसकी जनता ने पिछले चुनाव में सबको बता दी है। यदि विकास रहता तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनती। कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल कमीशन खोरी और ख़ास तौर पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने कहा था आप 1 साल दलाली बंद कर दो, 15 साल तक राज करोगे, यह उनका विकास होगा तो ये हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अधोसंरचना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है राजनांदगांव जिले में 15 साल में? भारतीय जनता पार्टी जो गिनाती कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, फ्लाई ओवर बनाया, हमने स्टेडियम बनाया, तो निश्चित रूप से फ्लाई ओवर बना यूपीए के टाइम में बना, फ्लाई ओवर बना तो फिर बाईपास बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब मेडिकल कॉलेज बना तो मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि हम इसको टाटा से विलाई स्टील प्लांट से टाई अप करके चलाएंगे। आज उस जो मेडिकल कॉलेज की जो दुर्दशा है वो भारतीय जनता पार्टी की के कारण है, हमारे राजनांदगांव के जो विधायक हैं डॉक्टर रमन सिंह जी उनकी वजह से वो दुर्दशा है। अगर उसी समय में इसका टाटा से और भिलाई स्टील प्लांट से उसका टाई अप हो जाता तो आज जो इलाज के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है वो भटकना नहीं पड़ता। और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य इन लोगों ने जो गिनाते हैं 15 साल के लिए तो वो केवल कमीशनबाजी में गया है। उसका एक उदाहरण है कि पिछले चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था अंबिकापुर में कि आप 1 साल के लिए कमीशन छोड़ दो और उसके बाद फिर और हम सरकार पर आ जाएंगे, तो ये उसका परिणाम है। और हमारी जो भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार है वो सबको इसका लाभ दे रही है। अभी ये जितने हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं, हमारे बड़े भाई खूबचंद पारक जी खड़े हैं, ये अपने घर में बिजली बिल का बिल को जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि बिजली बिल का हाफ हमको नहीं, कांग्रेसियों को नहीं, पूरे देश के प्रदेश के सारे लोगों को मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है उसका लाभ। जी इनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज भाजपा के कारण दुर्दशा हुई है, क्या कहना है आपको? मेडिकल कॉलेज क्या, पूरे प्रदेश में महिला बहनों के साथ में इन्होंने जो ठगने का काम किया है, पूरी मातृशक्ति जो आज देश की आधी आबादी है, सबसे पहले तो इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में 36 घोषणाएं की हैं जिनको अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। और मातृशक्तियों के नाम पे पूर्ण शराबबंदी जिसको गंगा जल लेकर इन्होंने कसम खाया था और आज तक वो पूर्ण शराबबंदी नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना काल में घर घर शराब वितरण का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है। और आज ईडी में भी पता चल गया है कि शराब घोटाला जो 2000 करोड़ रुपया का शराब घोटाला है और इस तरह के न जाने पूरे कितने घोटाले किए हैं, चाहे वो चावल का घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो भूमाफिया का घोटाला हो, ऐसे और गोठान का घोटाला हो, तो पूरी कांग्रेस हम कह सकते हैं कि ये घोटालों की सरकार है। और कांग्रेस सरकार में इन्होंने ऐसा कोई इनका सगा नहीं है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। जी भाजपा का आरोप है, भाजपा का आरोप लगा है कि ईडी के से शराब के उजागर हुए, चावल घोटाले में उजागर हुए, क्या देखिए जिस प्रकार से भाजपा आरोप लगा रही है,
ईडी के मामले में, शराब मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। और रही बात चावल घोटाले की, तो चावल घोटाले के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है। भाजपा सिर्फ कोरी कपोल कल्पनाओं में आधारित है। छत्तीसगढ़ में इनके पास ना मुद्दा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के विधायक रहे हैं। इनके 5 साल के कार्यकाल में, इनके 10 वर्ष कार्यकाल में राजनांदगांव सिर्फ कलंकित हुआ है। चाहे स्टेडियम का निर्माण ले लें, पुराना हॉकी स्टेडियम जो है वो भी अधूरा रहा, सेकंड फेज बन नहीं पाया। और उसके बाद मातृत्व हॉस्पिटल है, तमाम जितने भी योजनाएं डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई है वो भ्रष्टाचार की बेट चढ़ी है, जिससे छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व रहा है उसके नेतृत्व पर प्रश्न लगा है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, उससे उनके नेतृत्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता और राजनांदगांव की जनता दंश झेलने को विवश है। जी आप अपना जमीन तलाश कर रहे हैं, क्या है मुद्दा आपके, बताएं। हम जमीन तलाशने के साथ में हम यहाँ पर एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में हम खड़े हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य के शिक्षा में, स्वास्थ्य के एरिया में बिल्कुल ही बदहाल है। आप पेंड्री मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, न वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, न वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट और न ही वहाँ पे ठीक से व्यवस्था है। आए दिन वहाँ पे डॉक्टर लोग हड़ताल पे रहते हैं, व्यवस्था है ही नहीं। आप वहाँ के वाश बेसिन को जाके देखिए, जहाँ पे महिलाओं का वाश बेसिन है वहाँ पर बिल्कुल भी बदहाल है। इस तरीके से जबकि छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बने हुए 23 वर्ष हो चुके हैं और 23 वर्ष में 23 काम चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो किसी ने भी नहीं किया। जी भाजपा और कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, बताएं। भाजपा मतलब विकास और कांग्रेस मतलब करप्शन, हम देख रहे हैं। करप्शन की भेंट चढ़ गए दो लोग अभी 3 दिन पहले, शनिवार को प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। एक व्यक्ति महादेव यादव आत्महत्या करने मजबूर हो गया, क्यों? क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस मतलब करप्शन। और रही बात विकास की, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया 370 करोड़ का, एस्टोटर्फ राजनांदगांव को हॉकी और हॉकी के लिए जाना जाता है, हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ लगवाया डॉक्टर रमन सिंह जी ने, दिग्विजय स्टेडियम की बात कर रहे हैं। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया, काम चालू हुआ था, कुछ काम बाकी था, गवर्नमेंट बदल गई। तो गवर्नमेंट बदलने के बाद में क्या होता है, क्या नई गवर्नमेंट आई उस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दे? कांग्रेसी लोग इस चीज़ के लिए ध्यान केंद्रित दिए कि जब प्रोजेक्ट अधूरा है, राजनांदगांव का है ना वो, तो राजनांदगांव में जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है वो पूरा होना चाहिए। इसके लिए कौन से कांग्रेस के नेता ने पत्र व्यवहार किए? मुख्यमंत्री कभी कोई राशि मांग किए? नहीं किए। राजनांदगांव में बाईपास बना, फ्लाईओवर के साथ में बाईपास इसलिए कि शहर को जब बढ़ाना है, शहर को आगे ले जाना है, डेवलपमेंट करवाना है, तो एक नहीं 4 बाईपास की ज़रूरत है यहाँ पर। धीरे धीरे वो सब हो रहा है। और रमन सिंह जी उसी के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के कारण लहर चली थी, उस लहर में भी 16,000 वोट से डॉक्टर रमन सिंह जी जीत के आए थे यहाँ से। वर्तमान में रमन सिंह जी यहाँ के विधायक हैं और गांव गांव में जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे वही हमको बताइए, हमको यही आवाज़ आ रही कि हमारे विधायक लापता हैं अभी वर्तमान में। पहले उन्होंने जो कार्यकाल किया, यदि वो क्या रमन सिंह जी यदि आज वो सीएम नहीं है तो क्या उनका कार्य नहीं है, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वह अपने जमीन पर जाके लोगों की सेवा करें? जी विधायक लापता है। देखिए विधायक तो सतत सक्रिय हैं, महीने में 8-10 दिन का उनका दौरा भी होता है, लगातार संपर्क में भी रहते हैं, क्षेत्र की दृष्टि से केंद्र और उनके स्वयं के प्रयास से जो काम होते हैं उसको करते हैं। और रमन सिंह के ऊपर 15 साल में कांग्रेस में एक भी आरोप 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर नहीं लगे। विधानसभा का सत्र चालू हुआ और 1.5 साल बाद नगरी सिहावा की विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने सार्वजनिक रूप से पूछा कि हमारे जन घोषणा पत्र में हमने गंगा जल की कसम खाकर, लक्ष्मी ध्रुव ने पूछा कि इसको शराब बंद करने का संकल्प लिया था, इसको कब तक बंद करेंगे ये जवाब दो। तो मंत्री और अन्य जो लोग थे उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जारी से नहीं होगा, 6 महीना 1.5 साल कब तक बंद होगा, क्षेत्र में मुझे जनता को जवाब देना पड़ता है। वो 1.5 साल की बात है, आज 4.5 साल हो गया, शराबबंदी की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। जी जन घोषणा को पूरा नहीं किया गया है? जन घोषणा में जितनी बातें कही गई थी उसमें से 90% तो पूरी हो गई हैं। अब किसी को नहीं दिखता उसको तो कोई इलाज ही नहीं है। विकास दिख रहा है छत्तीसगढ़ी, काम दिखता है। मैडम की बात से मैं भी सहमत हूँ कि काम दिख भी रहा है। पूरी जो छत्तीसगढ़िया जो पूरा जो लुप्त कर दी थी 15 साल के राज में, पूरी छत्तीसगढ़िया जितनी कल्चर थी, सांस्कृतिक थे,
पूरे के पूरे अब हमारे पूरे छत्तीसगढ़ी माहौल पूरा छत्तीसगढ़ में बन गया है। जी नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला मतलब कानून व्यवस्था को लेकर क्या? कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है और एकदम लचरा है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज पूरे प्रदेश में 59,000 हमारी महिला बहनें आज लापता है और छत्तीसगढ़ की प्रदेश की पूरी जनता और पूरी मातृशक्ति ये जानना चाहती है कि 59,000 हमारी महिलाओं बहनों के साथ में क्या हुआ है। और आज लगातार अनाचार दुराचार दुष्कर्म के घटनाएं रोज डेली आप हर दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ में ऐसी दुष्कर्म की घटना घटती जा रही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो शांति का गढ़ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह के सरकार में थी, आज वो अपराध का गढ़ बन गया है। उद्योग की बात करें, राजनांदगांव में बीएमसी मिल हुआ करता था, अब बंद हो गई है। राहुल गांधी ने आमसभा में बोला भी था कि मैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चैनल को बधाई देता हूँ कि सचमुच में बेहतर क्वेश्चन कर रहे हैं। और बीएमसी मिल बंद कब हुआ और कौन चालू करने की बात कर रहा है? चुनाव जब जब आता है तब विषय बदल जाता है। पहले बीएमसी मिल जब था, मैं सिर्फ कर्मचारी था बीएमसी मिल का, और हमारी एनडीए सरकार था केंद्र में, तो वाकई में हमको 4 साल बैठा के पैसा दिया वो सरकार। और इस समय इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार था, धनेश पटेल ऊर्जा मंत्री थे यही का, और 4 करोड़ बिजली भी बाकी था, प्रदेश सरकार नहीं दे पाए, और बीमारू मिल के नाम से केंद्र सरकार ने 4 साल पैसा दिया, अंत में बैठा के सब कर्मचारी को पैसा दिया। दूसरी बात, राहुल गांधी बोले थे बेंस मिल पूरा चालू करेंगे, पर इस प्रदेश की सरकार ने फिर बदला उस बात को कि हम जूट मिल खोलेंगे। कब? ये आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो ये कांग्रेस का काम सिर्फ लोक लुभावना, जन घोषणा पत्र बनाया और उसी में जनता को मोह है और जनता परेशान है, त्रस्त है। और जिस प्रकार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलते हैं, उस कार्यकर्ता घर के सामने गड्ढा है, मैं सुबह गया था स्टेशन पर, गड्ढा है। प्रदेश सरकार ने नरवा घुरवा बारू चालू किया हुआ है, किस नजर से देखते हैं, कितना विकास लगता है आपको? अरे नरवा घरवा बारी जो है, इसमें गोठान योजना इनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है। जगह जगह बताते हैं कि इंग्लैंड से अमेरिका से देखने के लिए आ रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट और ये सब चीज़ को देखने के लिए आ रहे हैं। और जब हम लोग देखने को निकले तो इनके 10,000 जो गौठान हैं वहाँ 300 गैया की बात है, 3 गैया नहीं है कहीं पे, हैं वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कहीं शेड बना है तो नीचे वर्मी कंपोस्ट के लिए गोबर नहीं है। और उसमें 1300 करोड़ का घोटाला तो हुआ ही हुआ है। अभी हमारे एक विधायक ने, सौरभ सिंह ने प्रश्न किया कि आपने 246 करोड़ रुपया आपने गोधन योजना में गोबर खरीदी में बांटा है, तो और आपने बदले में कितना गोबर या खाद बेचा उसकी जानकारी में आपने केवल 85 लाख दिया, लेकिन हमने पता किया तो 17 करोड़ रुपया का चीज आपने बेचा है। तो ये 249 करोड़ का गोबर कहाँ पर पड़ा है या अन्य सामग्री कहाँ पर पड़ी है या गोबर पानी में घुल गया, इसका जवाब आप दे दो, नहीं तो 5 टन गौठान ले जाकर ये चीज़ 249 करोड़ की पड़ी है करके। और ये गोबर घोटाला छत्तीसगढ़ का जो लालू घोटाला है बिहार का, उससे ये बड़ा घोटाला है। उसमें सीधा सीधा आंकड़ा, इतना आपने दिया, आपका ये आंकड़ा है, इतना का आपने बेचा, तो वो बीच का पैसा गया कहाँ? शिक्षा कहाँ है? जी हम बात करते हैं गोबर घोटाले को लेकर, गोबर घोटाले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए भाजपा में अज्ञानता हावी है, मुद्दों के दिवालियापन के कगार पे हैं। जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी, सौरभ सिंह जी, नारायण चंदेल जी, धर्मलाल कौशिक जी के लगातार अलग अलग बयान आते हैं, उन सबसे प्रमाणित होता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास की डफली भाजपा वाले बजा रहे हैं, इनके पास अज्ञानता की इतनी बड़ी संख्या है। वर्ष 2011 के आर्थिक जनगणना जो है उसमें छत्तीसगढ़ में कुल परिवार 18 लाख जिनको प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र माना गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद 8 लाख से अधिक लोगों का मकान हमने बना दिया 2.5 साल के अंदर में, कोरोना काल छोड़ दें तो। भाजपा के कार्यकाल में 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास प्रारंभ हुआ, 2.5 साल इनका कार्यकाल रहा, ये मात्र 1 लाख लोगों को ही मकान दे पाए थे 2.5 साल के कार्यकाल में। और ये 16 लाख की बात करते हैं, 16 लाख का तो आंकड़ा ही नहीं है। तो सिर्फ भाजपा मिथ्या आरोप लगाकर बात करती है। मैं राजनांदगांव विधानसभा है, मैं बताना चाहूँगा, उद्योग की बात करते हैं, यहाँ से जोरा तरई है,
जोरा तरह के किसानों को उद्योग के नाम पे उनकी जमीन को खरीद लिए, भाजपा ही हड़प करके नागपुर की कंपनी को बेच दिए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर रमन सिंह का सूखा राहत के नाम से किसानों के पैसे को प्रशासनिक अधिकारी खा गए। उसके बाद भी डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में जो कर्मचारी लोग खाए थे उनके खिलाफ आरोप लगाने या कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पाए। आज देखिए जी, आप लोग भी यहाँ पे हैं, जो भी कांग्रेस में हैं, क्या है मुद्दा बताएं। मैं तो एक लाइन से सबका जवाब दूंगा। जैसे कांग्रेस शासन काल में शराबबंदी की बात की गई थी, शराबबंदी हुई नहीं। पीएम आवास का भी भाई साहब बता रहे थे 8 लाख घर बनाए हैं, और उसके बाद एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि वो केंद्र की योजना है, केंद्र वाले पैसा नहीं देते। आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं थी करने की तो आप वादा करके सरकार में आए क्यों? पहली बात, भाजपा वालों से कहना चाहूँगा, दोहरी बात नहीं करनी चाहिए। जब भाजपा शासनकाल 15 साल चल रहा था तो रमन सिंह जी ने दारू जो सरकार बेचेगी ये स्टार्ट किया था, आज कांग्रेस उसी चीज़ को आगे बढ़ा रही है। तो भाजपा वाले लोग को बोलने का इसमें अधिकार ही नहीं है। तीसरी बात, राजनांदगांव में बहुत सारे वार्डवासी पट्टे के नाम से परेशान है, ना बीजेपी ने पट्टा दिया ना कांग्रेस ने पट्टा दिया है। आप बोलेंगे तो मैं अभी चलता हूँ। चौथी बात, बड़े दुख की बात है कि पेपर में कोटेशन आया था जिसमें महापौर का भी बयान था कि नगर निगम में उनको तक सैलरी नहीं दी जा रही है। आज 15 साल बीजेपी का शासन देखे हमने और लगभग 8 साल कांग्रेस के शासन देखे। देखने में ये पता चलता है भाजपा और कांग्रेस तो मौसेरे भाई होते हैं। भाजपा और कांग्रेस क्या होते हैं? मौसेरे भाई होते हैं। और ये देखिए, आज शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल है। आज राजनांदगांव देखिए, हॉस्पिटल तो बड़ी हॉस्पिटल बन गई है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, रिफर किया जाता है। मैं पट्टे के विषय में बोलना चाहूंगी। पहले मुख्यमंत्री जी ने पट्टा वितरण किए थे और आज हमको सबसे बड़े सर्वे सर्व अधिकार कौन दिए हैं? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको हमको अधिकार दिए हैं। जो अधिकार नहीं था उसको अधिकार को हमको दिए हैं, तो कौन दिए हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। और आज ये भूपेश सरकार जो बोलते हैं मैं ये काम करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ किसानों के लिए काम करूँ करके, तो ये सब आज धोखाधड़ी और भ्रष्टाचारी का है भूपेश सरकार। सम्या चौरसिया को देख लो, है ना, ईडी ने इतना अच्छा काम किए हैं, पूरा जितना भी भ्रष्टाचार है सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको खत्म कर रही है और खत्म करके ही दम लेगी। दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं क्या? जी, दुष्कर्म के मामले तो निसंदेह ही बढ़ रहे हैं। इस पर तो सभी को पता भी है। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, जिस तरह से सुकमा में 6 वर्षीय बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ और उस घटना को पूरी तरह से कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त था और उस घटना को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप NCRP की भी रिपोर्ट कहते हैं। आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए। आज छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में आज तीसरे स्थान पर है अपराध के मामले में, दुराचार के मामले में, अत्याचार के मामले में और बलात्कार के मामले में। शिक्षा की बात करें, आपने स्वामीनंद आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल लिया है, क्या है बताएं? स्वामी आत्मानंद स्कूल से निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है। देश में एक नया मॉडल बना हुआ है जो शिक्षा बोलना आपको मौका मिलेगा। शिक्षा का जो स्तर जो माननीय भूपेश बघेल जी ने जो लाया है निश्चित रूप से एक मॉडल के रूप में है। इनके ही प्रदेश के कई मुख्यमंत्री और कई राज्य के लोग आके इस शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर देख रहे हैं और जहाँ तक अनुशंसा की है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये बात करते हैं गोबर की या गौठान की, इन्होंने जिस समय गौठान का निरीक्षण किया उस समय पूरे जानवर छुट्टा होते हैं, खेत में कोई फसल नहीं होती। आज जाके देखें कि गौठान की क्या स्थिति है। दूसरी बात, ये हमारे गांव की हमारी जो बहनों भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहनें बोल रही थी, आम आदमी पार्टी की हमारी बहनें बोल रही थी कि गोबर का क्या किए, तो गोबर का हमारी सरकार ने ये किए कि आज अमेजोन में आप डाल के देखिए तो हमारी छत्तीसगढ़ की जो हमारी बहनें हैं उनके जो दिए हैं उनके प्रोडक्ट आज अमेजोन में बिक रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि वो अमेजोन में हमारे बिजली बन रहा है, हमारे जी में टेंट बन रहा है, पैंट बन रहा है, जो पैंट से उधार गोबर से पैंट बन रहा है, दिया बन रहा है। दिवाली में अभी हमारे जो हमारे प्रदेश की हमारे गांव की जो महिलाओं ने जो दिया बनाया है वो अमेजोन में लेके अभी दिवाली में लोग उसके दीप जो प्रज्वलित करेंगे, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आज आत्मानंद स्कूल में आप देखेंगे जैसे केंद्रीय विद्यालय में चाहे वह हिंदी माध्यम का हो टीचर या किसी भी माध्यम से पढ़ा हो उसको वहाँ शिक्षक
बनने का पूरा अधिकार है, किंतु वर्तमान में जब आत्मानंद के विषय में बात करते हैं तो आत्मानंद स्कूल में केवल जो इंग्लिश माध्यम में शुरू से आखिरी तक पढ़े उसी को अधिकार है। तो इससे समझ आता है कि ये बड़े बड़े घरानों को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए अपने बाल बच्चों को, उसके लिए आत्मानंद को खोला गया है, पहला। और दूसरा कि आज आत्मानंद स्कूल देखते हैं, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर राजनांदगांव में दिखा दे जो आत्मानंद की बिल्डिंग स्वयं ने बनाई हो, लेकिन आज तक के आत्मानंद में केवल लिपापोती किया गया है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है और कब्जा करके बनाया गया है। अरे भाई, पहले नल जल योजना जो थी वो किसी किसी चिन्हित दो चार गांव में, 15 गांव में 20 गांव में होता था, और मोदी जी ने पूरे देश में हर गांव में नल जल योजना को लागू कर दिया है। अब कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां पर नल जल योजना के अंतर्गत घर घर नल नहीं लगेगा और पानी नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में भी जितना फंड दिल्ली से मिलना चाहिए वो दे रहे हैं, और बार बार इनको बोल रहे हैं भाई आपके जो उसकी राशि है प्रांत के हिस्से की, वो राशि दीजिए। तो नल जल योजना का जो प्रोग्रेस अन्य प्रांतों में है उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में केवल नल जल योजना प्रदेश सरकार के कारण 25% ही पूरी हो पाई है, और उसमें भी सब जो लेन देन का मामला है इतना गड़बड़ है कि जनता को पानी पीना है, उस पेयजल की व्यवस्था भी ठीक ठाक हो जाए उसके लिए भी दरिया दिली नहीं है। यह अमृत जल योजना चल रहा है उसको भी ठीक ठाक लागू करवा दे, यहाँ मेयर की कोई भूमिका उसमें है नहीं। योजना है क्या हो गया, लेकिन उसकी एजेंसी और उसको देख रेख का काम तो नगर निगम को है। नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास, ये बता रहे थे ना 18 लाख आवास जो बचे हैं वो बचे हैं, और जो बने हैं उसमें क्या करते हैं, ये जिस दिन वो बनता है उसमें प्रधानमंत्री आवास का लोगो लगाते हैं और 15 दिन बाद वो लोगों को हटा देते हैं, और बाद में इनकी आदत है दूसरे के बच्चे गोद में लेकर के ये मेरा है, ये मेरा है, तो उसी स्टाइल में बताते हैं इसको हमने बनाया, इसको हमने एक काम तो बता दे, दिल्ली का जो पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग भी नहीं कर पा रहे। माननीय हमारे बड़े भाई कूपचंद बारक जी ने प्रधानमंत्री आवास में बोला, इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे, और 15 दिन बाद इन्हीं की केंद्र सरकार ने मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री आवास में अच्छे काम करने के लिए पुरस्कार दिया है। ये किस मुंह से बोलते हैं कि यहाँ वो प्रधानमंत्री आवास में काम नहीं कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो केंद्र की मोदी सरकार ने भूपेश बघेल जी की सरकार को क्यों पुरस्कृत किया? सबसे अच्छा, पूरे देश में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पुरस्कार दिया है, अवार्ड दिया है, और ये किस मुँह से बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में ये काम नहीं कर रहे हैं? अभी माननीय शाहिद भाई जी ने जो बोले कि प्रधानमंत्री आवास में पुरस्कार मिला छत्तीसगढ़ सरकार को, बिल्कुल मिला है। कौन से प्रोजेक्ट में मिला हो बता देता हूँ आपको, राजनांदगांव के आसानगर प्रोजेक्ट को मिला है, जो माननीय मधुसूदन यादव जी जब महापौर थे उस समय उसको पूरा करवाए हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। उसके बाद में तो आज आत्महत्या करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री आवास की किस्तों के लिए लोगों को। पहली बार टी एस सिंहदेव जी ने क्यों इस्तीफा दिए, उन्होंने जो 4 पन्ने का इस्तीफा लिखे हैं उसमें जारी किए ना, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिला पा रहा हूँ इसलिए इस मंत्रालय को ही छोड़ रहा हूँ, उनके इस्तीफा में स्पष्ट है। तो आवास में भी जो यदि लाभ मिला है और पुरस्कार मिला है तो राजनांदगांव को मिला है, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कांग्रेसियों को। सर, ना को कांग्रेस को मिला के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जो साधन है शिक्षा। आज गांव की स्थिति इतना बदहाली है सर, गांव छुरिया ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, 3 प्राथमिक स्कूल में एक भी टीचर नहीं था। आज 57,447 पोस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में खाली है, आदमियों को स्कूलों में टीचरों के लिए भूख हड़ताल करना पड़ता है, चक्का जाम करना पड़ता है, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहे। इन लोग ये चाहते हैं कि गाँव का गरीब का बेटा गरीबी रहे, उनको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, आज तक शिक्षा को शिक्षा नहीं मिली। देखिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सतत कार्य कर रही है, और रही बात विरोध करने की, तो आक्रामकता विरोध करने का कोई मतलब रहता नहीं है। सरकार सने कार्य कर रही है, और आने
सबसे देखिए छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था आत्मानंद स्कूल के साथ साथ जो उच्च शिक्षा गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराई जा रही है, बिल्डिंगें बनाई जा रही है और अभी बिल्डिंग के पुनर्निर्माण के लिए स्कूलों के लिए जो व्यवस्था की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, वो अपने आप में रोल मॉडल है। और ये बार बार ये सब सिर्फ कपोल कल्पित बातें करते हैं, इससे कोई नहीं है। 24,000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती निकली हुई है, चाहे ट्राइबल में हो, चाहे स्कूल में हो, गांव के लिए हो, शहर के लिए हो। ये जो शिक्षा कर्मियों की भर्ती है ये पुराना रमन सिंह जी के देन है। ये चूंकि अभी उसमें बैंड लगा हुआ था, अभी हमारी सरकार ने निरंतर हर विभाग में भर्तियों का आरक्षण के चलते नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अभी 24,000-25,000 शिक्षा कर्मियों भर्ती निकली है और हमारी सरकार इस विषय में निरंतर काम कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ, पूरा जनता इसमें विरोध करती है और कोविड टाइम में उसने घर घर दारू पहुँचाया, इसका मैं विरोध करती हूँ। अभी वो रेवाड़ी मेरे वार्ड में 3-3 भट्टे उसने नया खोला है, इसका मैं विरोध करती हूँ। बिल्कुल भी संतोष नहीं है, किसी समाज का हर वर्ग हर तबका ना खुश है। आप जिधर देखेंगे उधर सारे कर्मचारी अधिकारी महिलाएं हो बच्चे हो कोई भी खुश नहीं। युवा वर्ग तो सिर्फ ठगने का काम किया गया, उनको सिर्फ लॉलीपॉप बनाने का काम किया गया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जी भूपेश बघेल की सरकार से जनता खुश नहीं है कहना है। जो बोलते हैं उनको विकास कार्यों से लेना देना नहीं है, उनका चेहरा उजागर कर रहा है कि विकास के विरोधी है। रमन राज में रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में खुद यहाँ पर कई स्कूलें बंद हो गई, पुत्री शाला, इंदिरा बाल मंदिर, बालक शाला नंबर 1, बालक शाला नंबर 2, उर्दू स्कूल। इस शिक्षा को कहाँ लेके जा रहे थे रमन सिंह और किस स्तर में उनका स्तर गिरा रहे हैं। तो खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे हैं जो भाजपा के जानते हैं, तो ये विरोधी बातें कर रहे हैं, आज विकास होता देख नहीं रहे हैं। और माननीय भूपेश बघेल जी जो काम कर रहे हैं उसको पचा नहीं पा रहे हैं। अभी 15-16 हैं, 90 में और कम हो जाएंगे, तो उनका जो हश्र बचा है तो जितने लोग हैं उतनी बातें कर रहे हैं। 2572 वृद्धा पेंशन 500 का देने का घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री जी ने, अभी तक वो 700 का घोषणा भी नहीं मिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार लाइए, 2,500 का वृद्धा पेंशन देंगे, महिलाओं को सहयोग राशि 1,000 रुपए देंगे और प्रत्येक बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा जो चरम सीमा पर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शराबबंदी के नाम पे इतना बड़ा घोटाला भूपेश सरकार ने कर डाला, उसके पहले रमन सिंह जी ने किया। और सबसे पहले भाजपा वालों से मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि रमन सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, अभी यहाँ कहाँ हैं? यहाँ महापौर जी भी अभी उपस्थित नहीं है। तो रमन सिंह जी सिर्फ राजनांदगांव के विधायक नहीं है, सिर्फ भाजपा के विधायक है, इसलिए रमन सिंह के ऊपर मैं टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये अगर डॉक्टर रमन सिंह जी की सक्रियता पे और विधायकी पे सवाल उठाते हैं, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण आज जो राजनांदगांव जाना जाता है मैं उनके बारे में बात करूंगा। आज देखिए लाइन से गिनाता हूँ, मेडिकल कॉलेज, पेंड्री में उद्यानगी कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर आईसेक्ट, मुख्यमंत्री कौशल केंद्र, बीपीओ सेंटर, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण राजनांदगांव जाना जाता है जो डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। और ये कांग्रेस ही बता दे कि इनके कार्यकाल में ऐसे कुछ चीजें हैं जिनका यहाँ पे विकास हुआ है, आप ये बता दीजिए मेरे को। डॉक्टर रमन सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया था अपने आखिरी कार्यकाल खत्म होने से पूर्व, मुख्यमंत्री 8 महीने पूर्व मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक मेडिकल कॉलेज का सीटी स्कैन मशीन बोले थे। आज तक किनके एक कांग्रेस का नेता अगर उनको जाके सिर्फ याद दिला दिया होगा कि 8 महीने पूर्व आपने सीटी स्कैन मशीन भेजा था, अभी तक के नहीं आए, एक बार नहीं, यहाँ तक कि सुरगी से हल्दी की सड़क स्वीकृति हो गई, फलाना हो गया, ढेकाना हो गया, अब बरसात आ गई, ऐसे ऐसे चुनाव आ जाएगा, अंत में वो 15 किलोमीटर की रोड नहीं बनी। ये बड़ी घोषणाएं थी मुख्यमंत्री जी की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में। ये शहर में डब रहा है, पूरे शहर में। जी हमारे पास अब वक्त की मर्यादा भी होती है, अब इसी के साथ हम जन चौपाल को समाप्त करते हैं। नमस्कार।